क्वेश्चन नंबर एक मैंने आपको बता दिया था, क्वेश्चन नंबर दो देखिए। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर तथा 3 मीटर है। 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे के चारों दीवार एवं छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना, कि कमरे का जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ हमको, चारों दीवार और छत जो है सफेदी करवाने की रंगवाना है, उसका जो है छत पर ज्ञात करना यानी कि उसका जो है खर्च ज्ञात करना। तो पहले देख लेते हैं कमरे के लिए, तो कमरे की लंबाई दिया हुआ 5 मीटर चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर, तो कमरे के चार दीवार का छतफल पहले निकालेंगे। तो कमरे के चार दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 × LB + L + B अगुने H होता है, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी हमको पहले परिमाप निकालना है। एक आयताकार है, आयताकार का हम क्या करेंगे, चारों तरफ से यानी कि परिमाप निकालेंगे अगुने ऊंचाई, तो ऊंचाई ठीक है। अब यहाँ पर मान रखेंगे 2 × 5 + 4 × 3, इसको हम कैलकुलेशन कर देंगे तो आपका आ जाएगा 54 आ जाएगा, ठीक है, 54 मीटर स्क्वायर ये आपका चारों दीवार का। अब देखें छत का, तो छत का क्षेत्रफल तो L गुने B, तो L 5 × 4 तो 5 × 20 20 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब करा के सफेदी कराने का कुल क्षेत्रफल, सफेदी कौन कौन भाग कराना, दीवार का करवाना और प्लस छत का, तो दीवार का आपका 54 मीटर स्क्वायर आ गया और छत का 20 मीटर स्क्वायर का, दोनों को जोड़ेंगे तो 74 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब सफेदी कराने की कीमत देख लीजिए, हाँ सफेदी कराने की कीमत हमको यही ज्ञात करना है, सफेदी कराने की कीमत तो 7.5 यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का 7.5 है, 7.5 रुपया है, और गुने हमको 74 मीटर स्क्वायर में करवाना था, दोनों को गुना करेंगे तो 555 रुपया देगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर दो जो मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, कहा कि एक आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप दिया हुआ 250 मीटर है, यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवार पर पेंट करवाने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करना, हमें जो है हॉल की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, हमको यानी कि इसमें मूल रूप से हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए हम हल करते हैं इसको, तो मान लेते हैं माना कि लंबाई बराबर L, चौड़ाई बराबर B एवं ऊंचाई बराबर हम मान लेते हैं H मीटर, ठीक है, और परिमाप आपका दिया हुआ है 250 मीटर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, चूँकि तो देखिए परिमाप दिया हुआ है, चूँकि आयताकार हॉल का परिमाप आप हम निकालेंगे, जो हमको पता है कि जो दिया है तो हमको दूसरा चीज़ निकालने के लिए वही ज्ञात करना पड़ता है। आयताकार हॉल का परिमाप, तो आयताकार का परिमाप 2 × L + B होता है, और परिमाप आपका 250 मीटर दिया है बराबर 2 × L + B, हम यही रख देते हैं। अब देखिए क्या चारों दीवार पर पेंट कराने की लागत आपका इसमें दिया हुआ, चारों दीवार पर पेंट लगाने कराने की लागत कितना दिया हुआ, 15,000 रुपया, वही करेंगे हम। फिर चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत आपका 15,000 रुपया, तो चारों दीवार पर पेंट कराने की दर, और दर कितना दिया, देखिए दर जो आपका दिया हुआ है 10 रुपये प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर जो है स्क्वायर में 10 रुपये लेता है, ठीक है, तो हमको क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, दादा चारों दीवार का क्षेत्रफल, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल कुल लागत, तो कुल लागत कितना 15,000 रुपया और बटे दर कितना 10, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1500 रुपया आ जाएगा, 1500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका जो है दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। पुनः कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पुनः फिर से निकालेंगे, तो 2 × L + B अगुने क्या चीज़ एच, हम आपको पहले बता दें कि चार दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × L + B अगुने एच, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, या आपका जो क्षेत्रफल कितना आ गया था, देखिए क्षेत्रफल आप किया था 1500 मीटर स्क्वायर, किसका चारों दीवार का था, इतना बराबर आपका दिया हुआ, देखिए 2 × L + B गुने एच बराबर कितना निकाल के आया, देखिए इधर 250 बराबर 2 × L + B, तो यहीं लिखेंगे 250 मीटर स्क्वायर अगुने क्या चीज़ एच है ना, इसका जो है या हम निकालेंगे एच बराबर, तो एच बराबर करेंगे तो ये गुना में जाकर जाएगा आपका भागा में, ठीक है, एच बराबर निकालेंगे तो गुना में, तो इधर आकर जाएगा भागा में, तो इसको काटेंगे तो 6 द्वारा आ जाएगा, अतः हॉल की ऊंचाई आपका हो जाएगा 6 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर तीन जो मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर चार भी देख लीजिए, कह कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है, इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 7.5 सेंटीमीटर बीमाओं वाली कितनी ईंटों पेंट होगी, यानी ईंट की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं, देखते हैं पेंट करने का क्षेत्रफल, तो पेंट करने का क्षेत्रफल यानी कितना भाग क्षेत्रफल होगा, तो 9.375 मीटर, तो पेंट कराने का क्षेत्रफल आपका जो है 9.37 मीटर स्क्वायर, इतना भाग में पेंट होगा है ना, इसको हम सेंटीमीटर में बदलें क्योंकि मीटर में है, हम इसको हम सेंटीमीटर में बदलें क्योंकि सभी जो है ईंट की बीमारी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में हम क्या करेंगे 9.375 गुने 100 अगुने 100 करेंगे तभी तो होगा है ना, तो ये आपका सेंटीमीटर में आने, पहला किया था मीटर में, दूसरा किए तो सेंटीमीटर, देखिए 100 से गुना किए पहले है ना मीटर स्क्वायर है, तो इसको 100 से हम गुना करेंगे तो मीटर में होगा, और फिर मीटर को हम सेंटीमीटर में, ठीक है, तो इस प्रकार से हम किया। चलिए तो अब इस प्रकार से आपका 9375 जीरो है ना, 9375 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।
अब एक ईंट का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं, एक ईंट का क्षेत्रफल तो यानी ईंट का क्षेत्रफल था 2 × LB + BH + HL, क्योंकि ईंट जो है घनाभाकार होता है, घनाभाकार आयतन। तो 2 × मान यहाँ पर रखेंगे, एल आपका दिया हुआ है 22.5 × 10 + 10 × 10 × 7.5 + 7.5 × 22.5, प्लस करेंगे। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो आप दोनों गुना करेंगे 225 प्लस ये दोनों गुना करेंगे तो 75, ये दोनों गुना करेंगे तो 168.75। अब बराबर करते हैं दो, ये सभी को टोटल को अगर जोड़ देते हैं इस तीनों को तो आ जाता है 468.75। अब दोनों को गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 937.5 मीटर्स का, ये आपका जाएगा एक ईंट का क्षेत्रफल। तो एक ईंट का क्षेत्रफल निकल गया। अब ईंटों की संख्या हमको ज्ञात करना है, तो ईंटों की संख्या ज्ञात करने क्या करेंगे, पेंट कराने का क्षेत्रफल है ना, अब बटे क्या एक ईंट का क्षेत्रफल, तो पेंट कराने का क्षेत्रफल कितना 9375.50 है, इतना में जो है भाग क्या होगा पेंट हो जाएगा, और एक ईंट का कितना आएगा 937.5 आ गया। अब दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 100 ईंट, तो यही हमको आंसर हो गया 100 ईंट।